तो खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का शंखनाद होने के बाद पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, साथ ही चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल के मालदा में रैली करते हुए नजर आए। आपको बता दूं यहां पर विधानसभा की 12 सीटें हैं और लगभग 50% मतदान मुस्लिमों का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो के बाद मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित भी किया। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ईद में जबरदस्ती गौहत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है, यहां की सरकार मौन बनी रहती है।